नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के बाद देश में अभी बवाल थमा नहीं कि उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। काशीपुर में एक युवक छुरा लेकर रावत के मंच पर पहुंच गया, इसके बाद कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस के सदस्यता अभियान में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। जैसे ही हरीश रावत अपना संबोधन खत्म करने के बाद नीचे उतरे, एक अधेड़ अचानक मंच पर पहुंच गया और संबोधन स्थल पर पहुंचने के बाद उसने माइक से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। शख्स के ऐसा करने पर जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया और माइक बंद कर दिया, तभी आक्रोशित अधेड़ ने अचानक छुरा निकाल लिया और जय श्री राम नहीं बोलने पर जान से मारने की धमकी दी। मीडिया से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के काशीपुर विधानसभा अध्यक्ष प्रभात साहनी ने बताया कि शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। प्रभात साहनी का कहना है कि यह प्रशासन की भारी चूक है। अगर कांग्रेस के किसी भी नेता को कोई नुकसान होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। उन्होंने कहा कि शख्स का साफ तौर पर कहना था कि जय श्री राम के नारे लगाओ, नहीं तो सबको मार दूंगा। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि शख्स के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जो शख्स मंच पर चाकू लेकर चढ़ा था, उसके गले में लाल गमछा था और वो माइक से जय श्री राम के नारे लगा रहा था। चाकू लेकर स्टेज में चढ़े शख्स के बारे में बताया गया कि पिछले दिनों वह टावर पर चढ़ गया था, पीएम नरेंद्र मोदी से बात करने की जिद करने लगा था। उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी प्रभात साहनी ने पुलिस में तहरीर दी है। इसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।